हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑन स्लो सेंड फिल्टर। हमने अर्लियर वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से स्लो सेंड फिल्टर वर्क करता है, जिसमें सेंड लेयर होती है, बॉटम में ग्रेवल लेयर होती है, पर्टिकुलर आपका सेंड साइज होता है जिसको इफेक्टिव साइज ऑफ सेंड कहते हैं, देन उससे पानी पास होता है एंड हमें फिल्टर्ड वाटर मिलता है। तो अब अगर आपको पॉपुलेशन गिवन है किसी एरिया की, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि भाई 50,000 पॉपुलेशन है किसी एरिया की, अब इतना 150 लीटर पर डे पर कैपिटा लीटर पर कैपिटा पर डे पानी आपको ट्रीट करना है, तो आप बताइए कि आपको कितना, हमें कैसा वहां पे स्लो सेंड फिल्टर बनाना होगा। तो इसी की डिजाइन हम यहाँ पर सीखेंगे कि क्वेश्चन स्टेट्स दैट डिजाइन स्लो सेंड फिल्टर फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 40,000। यहाँ आपको पॉपुलेशन गिवन है कि 40,000 पॉपुलेशन है एंड एवरेज रेट ऑफ वाटर सप्लाई उस एरिया की कितनी है, 150 लीटर पर कैपिटा पर डे, राइट। तो हमें गिवन क्या क्या है, हम लिख लेते हैं। गिवन दैट पॉपुलेशन कितनी है स्टूडेंट्स, 40,000, राइट। और क्या गिवन है हमें, वाटर सप्लाई गिवन है, रेट ऑफ वाटर सप्लाई दैट इज कितनी है, 150 LPCD लीटर्स पर कैपिटा पर डे। अब हमें ये डेटा गिवन है एंड हमें डिजाइन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हम डिजाइन कर रहे हैं तो हमें एवरेज डेली डिमांड पता होना जरूरी है। हमने पहले भी इसके इक्वेशंस किए हैं, तो एवरेज डेली डिमांड हम यहाँ निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, आप सभी आप समझ चुके होंगे कि एवरेज डेली डिमांड हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन इंटू आपका 150 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, जो भी रेट है आपका वाटर सप्लाई का। पॉपुलेशन कितनी है, 40,000, रेट ऑफ सप्लाई 150, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका एवरेज डेली डिमांड आपकी, जिसको कि हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 6 × 10⁶ लीटर्स पर डे, राइट। अब जब एवरेज डेली डिमांड मिल गई है तो हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड अगेन हम पढ़ चुके हैं कि क्या होती है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.8 टाइम्स ऑफ क्यू। So, yeah, we will put here 1.8 into Q is 6 into 10 to the power 6 liters per day, right? तो अब ये कितना हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बिकम 10.8 into 10 to the power 6 liters per day। मतलब इतनी उस एरिया में मैक्सिमम डेली रिक्वायरमेंट हमें होगी वाटर की, कितनी, 10.8 into 10 to the power 6 liters per day की। अब क्योंकि हमें क्या करना है, डिजाइन करना है, क्या डिजाइन करना है, स्लो सेंड फिल्टर। क्या सीख रहे हैं हम, डिजाइन ऑफ स्लो सेंड फिल्टर। तो हम क्या चाहेंगे कि हमें सरफेस एरिया पता चले फिल्टर के लिए, कितना रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वी विल कैलकुलेट सरफेस एरिया रिक्वायर्ड ऑफ फिल्टर, है ना, रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा सरफेस एरिया, जितनी आपकी मैक्सिमम डेली डिमांड है और कितना रेट ऑफ आपका फिल्टरेशन रेट, हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सरफेस एरिया मिल जाएगी। क्या बोला मैंने कि जितनी भी आपकी मैक्सिमम डेली डिमांड है, आपको पता है कि मैक्सिमम डेली डिमांड आप निकाल चुके हैं, अब इतना पानी आपको चाहिए पर डे, तो पानी और रेट ऑफ फिल्टरेशन टैंक का हमें डिजाइन करना है एक टैंक। तो अगर मुझे पता चल जाए कि इसका रेट ऑफ फिल्टरेशन इतना है, तो इतने पानी को ट्रीट करने में कितना एरिया रिक्वायर्ड है ये हम निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया रिक्वायर्ड विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, रेट ऑफ फिल्टरेशन। तो मैक्सिमम डेली डिमांड हमें पता है कितनी है, 10.8 इंटू 10⁶ लीटर्स पर डे, राइट। अब हम यहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा, जब हमने थ्योरी डिस्कस की थी तो हमने देखा, हमने समझा था कि जो स्लो सैंड फिल्टर है उसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हम क्या लेते हैं, 2400 से 3600 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे हम लेते हैं। तो वही हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, अब इसके बीच का कोई आप ले सकते हैं कि आप 3000 ले सकते हैं, आप चाहे तो 3600 ले सकते हैं, आप डिजाइन के लिए चाहे तो 2400 भी ले सकते हैं, राइट। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इतना हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है स्लो सेंड फिल्टर का।
तो हमने यहाँ अज्यूम कर लिया कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3000, आप इसको 2400 भी रख सकते हैं, 2400 रख सकते हैं, राइट। तो अभी हमने लिया 3000 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आर, सॉरी पर डे, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, 108 10.8 इंटू 10 to the power 6 जो हमारा एमडीटी था, उसको डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से, जो कि हमने कितना माना है 3000 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो अब ये क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से, सरफेस एरिया लीटर टू लीटर कैंसिल, डे टू डे कैंसिल, मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, एंड मेरा एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू, आप इसको कैलकुलेट करिए, सो दिस विल बिकम 3600 मीटर स्क्वायर। अब ये मुझे एक आंसर कहना चाहिए, डिजाइन का एक स्टेप क्लियर हो गया है कि इतना एरिया हमारे किसका होगा, फिल्टर का होगा। अब ये कंडीशन होती है कि व्हेन द सरफेस एरिया इज मोर देन 1200 मीटर स्क्वायर, तो हम क्या लेते हैं, 6 जो है हमारे स्लो सेंट फिल्टर, वहां पे हम डिजाइन हमें करने पड़ेंगे। तो व्हेन सरफेस एरिया इज मोर देन 1200 मीटर स्क्वायर, इससे ज्यादा आया है क्या आपका, यस आपका 3600 आया है, तो ये ज्यादा है 1200 से, तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, 6 नंबर ऑफ स्लो सेंट फिल्टर, ये हम वहां पर कंसीडर करेंगे, एंड 1 यूनिट आउट ऑफ द 6, मतलब ये 6 है हमारे, इसमें से एक हम रखेंगे केप्ट फॉर स्टैंडबाय, स्टैंडबाय। अब ये क्या है भाई डिजाइन में, ये कुछ नया है क्या, तो जब भी स्टैंडबाय फिल्टर बोला जाए, मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी कोई फिल्टर रुक जाए, काम करना बंद कर दे, खराब हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए सडन, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अब लोगों को तक पानी ना पहुंचाए उस केस में, तो हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा तैयार रखते हैं कि अगर किसी फिल्टर में कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसका काम कंटिन्यूटी में कर पाए, तो उसको हम कहते हैं कि 1 इज कैप्ट फॉर स्टैंड बाय, एक हमने क्या रखा है, स्टैंड बाय रखा है, और 6 टोटल हमने लिए हैं, मतलब 5 हमारे क्या है यहाँ पे, 5 नंबर ऑफ स्लो सेंट फिल्टर हम यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, एरिया ऑफ ईच, ये तो आपका जब जरूरत पड़ेगी तभी यूज होगा, मे बी यूज ना भी हो, तो एरिया ऑफ ईच यूनिट अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 3600 डिवाइडेड बाय दिस 5, क्योंकि हमने क्या लिया, 6 लिए हैं, 6 माइनस 1 कर देंगे, एक स्टैंड बाय है, तो हमारे पास अभी बच्चे कितने, 5 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका एरिया, एक यूनिट का एरिया कितना आ गया स्टूडेंट, 720 मीटर स्क्वायर। अब ये मुझे मिल गया एरिया ऑफ एक यूनिट, ऐसी हमने 5 यूनिट ली है स्लो सेंट फिल्टर की। अब मैं फिर से यहाँ क्या अज्यूम कर रही हूँ, अज्यूमिंग दैट लेंथ ऑफ फिल्टर इज 2 टाइम्स ऑफ विड्थ, हमने लेंथ क्या ली है, 2 टाइम्स ऑफ विड्थ ली है, तो अब हम क्या करें कि यहाँ पर हम क्या पुट कर दें, ये हमारा एरिया था, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 2b square इज इक्वल्स टू 720, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 18.92, गॉट इट, 18.92 मीटर्स में हो जाएगी। अब जब मुझे b मिल गया, मैं इसको अप्रोक्सीमेशन में ले लेती हूँ कि दैट विल बी इक्वल्स टू 19 मीटर भी कर सकते हैं आप, है ना, 19 मीटर कर लें, तो क्योंकि हमने l इज इक्वल्स टू 2b लिया है, तो l इज इक्वल्स टू 2b से यहाँ पे l की वैल्यू मिल जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ b, b कितना है 19, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, l विल बी इक्वल्स टू 38 मीटर। तो हमें l मिल गया, हमें b मिल गया, इसका मतलब ईच साइज हमारा जो है, ईच यूनिट हम बोल सकते हैं, हेंस ईच यूनिट उसका साइज क्या होगा, 38 into 19 मीटर। 38 क्या है आपकी लेंथ है, और बी क्या है आपका, 19 मीटर आया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, स्लो सेंट फिल्टर को डिजाइन करते हैं। थैंक यू।